दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रोयोगी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक भारद्वाज। हम इस वीडियो का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा कि दिसंबर के महीने में 12 राशियों का हाल कैसा रहेगा, ये आपको मैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली ज्योतिषीय घटनाओं पर आधारित वीडियो आपको पहले ही प्राप्त हो सके। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बारी आ जाती है कर्क राशि की। अगर कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए कि दिसंबर का महीना उनके करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए मंगल की स्थिति तो वही चौथे भाव में ही चल रही होगी, तो जिस वजह से कि आपका दसवां घर एक्टिवेट रहेगा, दसवें घर पर मंगल की दृष्टि है, जिस कारण से करियर और व्यापार के लिए ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन एक स्थिति यहाँ पे है कि जहाँ तक मेरे को नजर आ रहा है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति देखी जाए तो दिसंबर के महीने में कुछ आसार बन सकते हैं कि आप लोगों को जो आप कर्क राशि वाले हैं, आपको कोई कहीं से कर्जा लेना पड़ जाए या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख के या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। देखिए कर्क राशि के जातकों के लिए जहाँ तक बात की जाए लव लाइफ की, फैमिली लाइफ की और मैरिड लाइफ की, वो थोड़ा सा अभी मेरे को डिस्टर्ब नजर आ रही है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि शनि उनका सप्तमेश होकर देखे छठे घर में बैठा हुआ है। हालांकि विपरीत राजयोग भी वो बन रहा है क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी होकर वो चला गया छठे घर में, तो कहीं ना कहीं वो झगड़ों का और शत्रुओं का नाश करता है। लेकिन देखिए कि हो सकता है कि किसी की मैरिड लाइफ डिस्प्यूट में जा सकती है। तो अभी कुल मिला के ये दिसंबर का महीना देखिए वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा कड़वाट वाला रह सकता है और घर परिवार के लिए भी जो झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए जहाँ तक देखिए हेल्थ का सवाल है, तो दिसंबर का महीना क्योंकि देखिए आपका जो राशि का ग्रह बनता है वो चंद्रमा बनता है और आपको ठंड लगने के जो होता है ना कि अत्यधिक आसार रहते हैं कि आपको जल्दी कोल्ड कफ इत्यादि हो जाना, तो खासतौर पर आप उसका ध्यान रखिएगा। मतलब वो आपको जो है कि ज़्यादा ठंड के समय में जकड़ सकता है, तो उसका एक आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। मतलब खाने पीने का परहेज करिए, ठंडा कुछ ऐसा ना खाएं, कोशिश करिए कि गर्म चीज़ों का ही सेवन करिए। अब बात आ जाती है आपकी एजुकेशन की, जहाँ तक देखिए बात आ जाती है एजुकेशन के लिए भी थोड़ा सा दिसंबर का महीना स्ट्रगल वाला रहेगा, क्योंकि वही मैंने बताया स्वास्थ्य को लेके जो है कि कोल्ड कफ ज़्यादा किसी बच्चे को हो सकता है, जिस कारण से जो है कि उसकी एजुकेशन में अवरोध उत्पन्न हो कि जो स्कूल जाते हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल से छुट्टी का या कॉलेज से छुट्टी का एक फिर योग ऐसा नज़र आ रहा है। जो आपको जानकारी आपकी 12 राशियों के हिसाब से दी गई है, ये एक सामान्य ज्योतिषीय गणना पे आधारित जानकारी थी। अगर आप और अधिक सटीक भविष्यवाणी अपने जन्म पत्री के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आ रहा है उसके ऊपर आप जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये तो अभी मैंने आपको जानकारी दी थी 12 राशियों के बारे में। अब जान लेते हैं कि दिसंबर के महीने में कुछ प्रमुख तिथि त्यौहार रहेंगे तो वो कौन सी तारीख को रहेंगे। सबसे पहले देखिए मित्र विष्णु सप्तमी, जो ये पड़ेगी मंगलवार के दिन पड़ेगी 3 दिसंबर को। इसके बाद 8 दिसंबर को दो पर्व पड़ रहे हैं, जो पड़ रहे देखिए दिन होगा रविवार का, गीता जयंती और मोक्षदायिनी एकादशी 8 दिसंबर को पड़ेगी। फिर उसके बाद आएगी दिन बुधवार को 11 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती आएगी। फिर उसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य देव उत्तरायण हो जाएंगे।